हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने आपका चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे योर चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, कि हम सब्सटेंसेस, डिफरेंट जो आपके पदार्थ होते हैं, उनको कैसे अलग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दही से मक्खन निकालते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपके घर में इस तरह से आप मक्खन और जो लस्सी होती है उसको सेपरेट करते हैं दही से। ठीक है, तो इस तरह से कि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को किस तरह से अलग करेंगे, किस तरह से सेपरेट करेंगे, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन आर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, बोला हमारे डेली की लाइफ में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, ऐसी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को अलग करते हैं किसी मिक्सचर ऑफ मटेरियल से। ठीक है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की जो पत्ती रह जाती है उसको हम स्ट्रेनर से, छन्नी की मदद से अलग करते हैं। ठीक है, जो चाय का लिक्विड होता है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क व्हाइल हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब भूसे से हम गेहूं को अलग करते हैं जब हार्वेस्ट करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। ठीक है, हम छाछ निकालते हैं, ठीक है, जब हम बटर अलग करते हैं, मक्खन अलग करते हैं दही से या फिर मिल्क से। एज़ वी लर्न इन चैप्टर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। ठीक है, चैप्टर 3 में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम गिनिंग प्रोसेस का यूज़ करके कॉटन सीड्स को अलग करते हैं विद द कॉटन फाइबर। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। ठीक है, बोला जब भी आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा, ठीक है, तो आपने अगर उसमें हरी चिल्ली डाली है या मिर्ची डाली हुई है काट के, ठीक है, बोला जब आपने पोहा या दलिया में मिर्ची काट के डाली होती है, ठीक है, तो आप खाने से पहले ही उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? ठीक है, आप क्या करते हैं, मान लो आपको एक बास्केट दी है जिसमें मैंगोज और अमरूद हैं, ठीक है, और आपको बोला कि दोनों को अलग अलग करना है, तो आप क्या करते हैं, आप किसी एक तरह का फ्रूट क्या करते हैं, अलग से कंटेनर में अलग से रख देंगे। ठीक है, इससे आपके जो फ्रूट्स हैं डिफरेंट, वो सेपरेट हो जाएंगे। सीम्स इजी, बट वट इफ़ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ठीक है, बोला ये करना तो बहुत इजी है, लेकिन क्या हो अगर हमारे पास जो मटेरियल है, जो मिक्सचर है, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। ठीक है, अगर इमेजिन करो, आपको बोला हो कि एक ग्लास में हमने रेत और सॉल्ट का मिक्सचर जो है रखा हुआ है और आपको उसको सेपरेट करना है, तो आपको क्या लगेगा, ये इम्पॉसिबल लगेगा। अब सैंड के इतने छोटे छोटे टुकड़े आप कैसे हाथ से सेपरेट कर पाएंगे। यहाँ पे पहेली का एक क्वेश्चन है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस टू ऑल इस व्हाट पहेली वांट्स टू नो। ठीक है, पहेली का क्वेश्चन है कि हमें इन सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढेंगे। एक्टिविटी 1, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड इज मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली।
However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्टिविटी है कॉलम 1 टेबल 5.1 में. ठीक है, आपको कुछ प्रोसेसेस दिए हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, उनका पर्पस और किस तरह से उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं. ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास सेपरेट करके आते हैं वो भी आपको कॉलम 2 एंड 3 में दिए गए हैं. लेकिन कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो दिए हैं चीज़ें वो जंबल्ड हैं. ठीक है, वो प्रॉपर वे में नहीं है, आपको वो मैच करने हैं सही तरीके से. ये देखो, ठीक है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. ठीक है, अब राइस से पत्थर निकालने हैं, चावलों से. ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा पर्पस क्या है उनको, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट. ठीक है, क्लियर. तो अब देखो स्टोन क्या है, इम्प्योरिटी है चावलों में, तो मैच करेंगे आप सी के साथ. तो इसके साथ आपके कॉलम 2 में क्या आ जाएगा, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट. ठीक है, अगर आप राइस के साथ पत्थर भी खा लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी अंदर बॉडी में, दांत टूट जाएंगे. और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, अब जो सेपरेटेड कंपोनेंट हैं उनको हम क्या करते हैं. ठीक है, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज. अब जो इम्प्योरिटी हमने स्टोन जो है अब रखेंगे थोड़ा ना, किसी यूज़ के तो है नहीं, तो हम उनको क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं. इसी तरह से चर्निंग मिल्क टू ऑप्टेन बटर. ठीक है, कि हम मिल्क को क्या करते हैं, मिल्क से बटर को अलग करते हैं. ठीक है, चर्न करते हैं उसको. तो उसमें पर्पस क्या है, उससे हमारे पास क्या आएगा, एक तो लस्सी और दूसरा बटर, तो दोनों हमारे लिए यूज़फुल है. हम लस्सी का भी यूज़ करते हैं और बटर का भी. ठीक है, चीज़ का, सॉरी बटर, मक्खन आपका. ठीक है, तो दोनों टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. ठीक है, अब दोनों कंपोनेंट्स के साथ हम करते क्या है. ठीक है, तो दोनों को हम यूज़ करते हैं, तो इसके साथ आप सेकंड में इसके सामने आ जाएगा, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट यहाँ पे, और ये वाला वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट है सेपरेट टी लीव्स. तो टी लीव्स जब हम चाय से सेपरेट करते हैं तो ऑब्वियस है कि एक जो है हमारे पास नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है. ठीक है, जो टी लीव्स हैं उनका हमने फ्लेवर और जो अरोमा होता है वो तो पहले ही आ जाता है चाय में. ठीक है, तो बाकी जो कंपोनेंट बच जाता है, जो टी लीव्स बच जाती हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है. तो टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो स्ट्रेन कर देते हैं हम. ठीक है, अब क्या करते हैं हम, उसको रखते तो है नहीं. ठीक है, जो टी लीव्स हैं उनको हम फेंक देते हैं. तो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. तो जो कंपोनेंट आया हमारे पास उसको हम फेंक देते हैं. ठीक है, सो ये टेबल आप कॉपी में बनाएंगे. ठीक है, लेकिन मैच करके. सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू.